हेलो एवरीवन, सेना स्वागत है। देखिए, कल हम लोग देख क्लास में कुछ 3 महीने तक का देख लिए थे। आज देखिए, आज हम लोग इम्पोर्टेंट डेट जो है जुलाई से देखेंगे। जुलाई, अगस्त और सितंबर का इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, और सितंबर के बाद वाले वीडियो को आप लोग देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो इंतजार कीजिए आप लोग। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगले वीडियो का भी लिंक आप लोग को अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए, जुलाई में देखते हैं हम लोग, एक जुलाई को चिकित्सक दिवस या जीएसटी दिवस मनाया जाता है। एक जुलाई को चिकित्सक दिवस और जीएसटी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद चलिए, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस एग्जाम में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोग के लिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है ये सब एग्जाम का। अब देखिए, 19 जुलाई को हम लोग राष्ट्रीयकरण दिवस मनाते हैं, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है फिर भी। चलिए आगे देख, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पे आप लोग 5, ये बहुत बार पूछा गया है, 5 स्टार लगाइए, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। 26 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं, कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। इसी दिन 26 जुलाई को ही कारगिल विजय दिवस मनाया जाए। उसके बाद देखिए, 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब, 28 जुलाई को मनाया जाता है। अब देखिए, 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ये हल्का फल्का इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मारिए इस पे, अंतरराष्ट्रीय दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। अब देखिए, जुलाई के बाद हम लोग देखेंगे अगले सेप्टेम्बर मंथ की महत्वपूर्ण दिवस। तो देखिए, अब हम लोग देखते हैं, इस वीडियो में हम लोग बताएं कि सितंबर तक का देखेंगे सारा। अब देखिए, अगस्त में देखते हैं, 6 अगस्त को क्या मनाया जाता है, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है, 6 अगस्त को। अब उसके बाद देखिए, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, और 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, वहां पे गलती नहीं कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, 5 स्टार है। देखिए, इसमें होता है क्या, बहुत जगह आपको पता नहीं चलता होगा, अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग टिक मार देते हैं 12 जनवरी को, वहां पे गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अब आगे देखिए, फिर 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी, पर पूछा गया है अभी तक। उसके बाद देखिए, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ये तो सभी लोग मनाते हैं, स्कूल कॉलेज जहां भी है हर एक जगह मनाया जाता है। अब चलिए, उसके बाद 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है, सद्भावना 20 अगस्त को। उसके बाद देखिए, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है, बहुत 4-5 बार लगभग पूछा गया है अभी तक, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 को मनाया जाता है। इसके बाद चलिए हम लोग सितंबर महीने का देखते हैं। तो देखिए, अब हम लोग देखते हैं, 5 सितंबर लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, ये तो आप लोग को पता होगा, वैसे ही एग्जाम में पूछेगा नहीं आपसे कभी, ताकि बच्चा बच्चा जानता है कि 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, ये आपके लिए पूछेगा नहीं, बल्कि इम्पोर्टेंट था तो आप लोग को बता दिया गया। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, 8 सितंबर को, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ये पूछा जाता है एग्जाम में। अब देखिए, 14 सितंबर को उसके बाद क्या हिंदी दिवस मनाते हैं, ये भी एक आध बार पूछा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखिए, आइए, 16 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, 16 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है।
उसके बाद देखिए 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को ये शायद, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। विश्व का पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है ऐसे पूछ मैं तो आप लोग, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अब 29 सितंबर को क्या मनाते हैं, विश्व हृदय दिवस को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग सितंबर तक ही देखेंगे, और अगले का वीडियो देखने के लिए अगले वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक अवेलेबल करा दिया जाए। आगे की जानकारी जो भी है अक्टूबर नवंबर अंत का वीडियो अगले वीडियो में मिलेगा आप लोग को, इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद।